सुनिए 10 बजे इन लोगों को फोन किया है मुखिया जी की पंचायती करने के लिए बैठे थे। मैं नाम रख रहे थे एगो ठेकेदार के एगो मनोज राम के मुखिया जी थे। मुखिया जी हमके पास फोन किए लोग फोन नहीं किया है कर हम लोग का रिपोर्ट किया है। मेरा दायित्व है सुना तो है कि नहीं पूछे कोई फोन आपके परिवार से किया है। एक मिनट हम आपको यही बताना चाहते हैं एक बेटा मरता है तो किसके पास आपका बेटा। अच्छा मेरा बेटा मर जाएगा तो आप सही से रहिएगा कि आप आप रिलेशन देखिएगा ना भैया हम जो पूछ रहे हैं वो तो बता दीजिए रिलेशन में बात आप रिलेशन अभी बोले कि रिलेशन में चले गए हम गए थे। अरे भैया बात तो सुनिए मेरा अगर आप जाने वाले थे तो मिलने से परिवार से आके घर पर मिल लेना चाहिए आपको। रिलेशन जरूरी था कि यही घटना जरूरी था। घटना जरूरी था। अच्छा एक चीज एक बात बताइए आप लोग पंचायती करने के लिए चलेगा आप सुनिए मेरा बात लड़का का पिता हम ये नहीं कर रहा ये भी गलत है और जो पंचायती में बैठा था वो भी गलत है। सुन लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सादा पन्ना पर सिग्नेचर कर दीजिए लाश को दफना दीजिए। कौन बोला था पूछे लड़का को क्या बोल रहे थे बताइएगा कैमरा आने आप लोग बोलता है आपको सरपंच कहेगा तो अच्छा लगेगा। सुनिए ना पहले आप बोले आप पहले आप बात सुनिए ना तब कुछ बोलेंगे जो मदद हो सकेगा हम लोग मतलब ठेकेदार ये लोगों का आरोप है की पुलिस करेगी ना घटना वहाँ हुआ है यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर वहाँ की पुलिस जांच करेगी जो फाइनिंग होगा उसको धरातल पर। पंचायत के न्यायाधीश सरपंच होता है शायद ये घटना को सरपंच के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन किया गया था कि हमारे पंचायत में इतने बड़े घटना हो गए साहब हमको नहीं बोल पाए देख सकते हैं कि जो कहते हैं कि जो सरपंच है हो गया नहीं में काम कर देते वहीं एक डिस्ट्रिक्ट में और सरपंच और वहाँ पर तेल के टैंक में गिरे हुए मिले परिजनों का कहना है कि मारकर उसमें डाल दिया गया। वहाँ की पुलिस जो है पोस्टमार्टम कराई है मामले को जांच में रखी है जांचोपरांत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा जो फाइंडिंग आएगी उस पर वहाँ की पुलिस कार्रवाई करेगी हम लोग मदद करेंगे। ये धरना किस लिए